हेलो, मैं हूं सफीक और आप सभी का स्वागत है नाइस स्किल एजुकेशन चैनल। आज मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं समय बनाम पैसा, टाइम वर्सेस मनी, वैल्यू ऑफ मनी, वैल्यू ऑफ टाइम। समय कभी भी एक बार ख़त्म होने के बाद वो दोबारा वापस नहीं आता, लेकिन पैसा एक बार ख़त्म होने के बाद उसे हम वापस कमा जा सकते हैं। ईश्वर ने सभी को समय बराबर दिया है, चाहे वो काला हो, गोरा हो, लंबा हो, छोटा हो, मोटा हो, पतला हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ईश्वर ने सभी को समय समान दिया, लेकिन पैसा सभी को समान नहीं दिया। टाइम इज अ मोर वैल्यूएबल देन मनी। यू कैन गेट मोर मनी बट कांट गेट मोर टाइम। आप ज़्यादा पैसे कमा सकते हैं, लेकिन आप ज़्यादा समय नहीं कमा सकते। समय लिमिट है। वैल्यू ऑफ अ टाइम। एक साल की कीमत उस स्टूडेंट से पूछो जो एग्जामिनेशन में फेल हो गया और उसके दोस्त लोग सब आगे चल रहे हैं। उस स्टूडेंट से पूछो एक साल की कीमत क्या होगी, और 9 महीने की कीमत उस माँ से पूछो जिसने अपने बच्चों को 9 महीने अपने कोक में रखा और उसके बाद उसे जन्म दिया। उस माँ से पूछो 9 महीने की कीमत क्या होती है, वो बताएगा आपको 9 महीने की कीमत क्या होती है। और 1 महीने की कीमत उस वर्कर से पूछो जो महीने भर काम करके लास्ट तारीख का इंतजार करता है कि अब सैलरी मिलेगा। उस वर्कर से पूछो 1 महीने की कीमत क्या होती है, और एक सप्ताह की कीमत उस स्टूडेंट से पूछो जो इंतजार करते हैं कि कब संडे आएगा। उस स्टूडेंट से पूछो एक सप्ताह की कीमत, एक दिन की कीमत उस मजदूर से पूछो जिसको एक दिन काम नहीं मिला। उस मजदूर से पूछो एक दिन की कीमत क्या होती है, वो ये सोचेगा कि घर में क्या बोलेंगे, मेरे बीवी क्या बोलेंगे, मेरे बच्चे क्या बोलेंगे, मैं उनके लिए क्या लेके जाऊँ। उस मजदूर से पूछो एक दिन की कीमत क्या होती है, और 30 मिनट की कीमत उस लड़के से पूछो जिसके गर्लफ्रेंड टेक्स्ट सीन करने के बाद रिप्लाई नहीं किया। उस लड़के से पूछो 30 मिनट की कीमत क्या होती है, और 1 मिनट की कीमत उस इंसान से पूछो जिसका लास्ट बस मिस हो गया और वो उस बस को जाते हुए देख सकता है लेकिन कुछ नहीं कर सकता। उस इंसान से पूछो 1 मिनट की कीमत क्या होती है, और 1 सेकंड की कीमत उस साइंटिस्ट से पूछो जिसने अपना मिसाइल लॉन्च करने में 1 सेकंड लेट हो गया। उस साइंटिस्ट से पूछो 1 सेकंड की कीमत क्या होती है। वैल्यू ऑफ मनी। अगर मैं किसी बच्चे को 5 रुपये दूँ तो वो उसके लिए बहुत होता है, और वही 5 रुपये मैं किसी बड़े इंसान को दूँ तो उसके लिए बहुत नहीं होता। बच्चे वही 5 रुपये से केक टॉफ़ी ले कर खुश रहता है। किसी गरीब के लिए 500 रुपया भी बहुत होता है, और किसी करोड़पति के लिए 1,00,000 रुपया भी कम होता है। पैसे का वैल्यू कभी समान नहीं है। अगर आप सेटिस्फाइड लाइफ जीना चाहते हैं तो उसके लिए बहुत सारे पैसे की जरूरत है। दोस्तों, आपको सेटिस्फाइड होने के लिए कितने पैसे की जरूरत है वो आप डिसाइड करें, और फिर आप अपना सेटिस्फाइड लाइफ जी सकते हैं। क्योंकि कोई 1,00,000 कमा कर भी खुश नहीं रहता, और कोई 1,000 कमा कर भी बहुत खुश रहता है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक करें और अपने दोस्तों तक शेयर करें, और हमारे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।